दोस्तों आज बनाएंगे मैक्सिकन वेज पिज़्ज़ा और इसके लिए हमने लिया है कुछ रेड येलो ग्रीन बेल पेपर और उसे इस तरह से कट कर लेते हैं। कटे हुए बेल पेपर को हम ऑलिव ऑयल के साथ टॉस करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हाई फ्लेम में 30 सेकंड के लिए टॉस्ट करेंगे ताकि ये वेजिटेबल बिल्कुल क्रंची रहेगा। और इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगानो, बस निकाल लेते हैं। इधर 12 इंच का पिज़्ज़ा बेस रेडी है और पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मोजरेला चीज़ का फर्स्ट लेयर लगा देते हैं। यहाँ पे मोजरेला चीज़ यूज करेंगे, पिज़्ज़ा के लिए बहुत बढ़िया होता है। और टॉस किया हुआ वेजिटेबल इसमें डाल देंगे। आप अपने मनपसंद वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक ऑलिव और इसके साथ डालेंगे कुछ एलोपिनो के टुकड़े। इस एलोपिनो से पिज़्ज़ा का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में ऊपर से एक लेयर हम चीज़ का डालेंगे और इस पिज़्ज़े को 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पिज़्ज़ा ओवन के अंदर। 10 मिनट बाद आप देखेंगे बिल्कुल बढ़िया सा क्रिस्पी पिज़्ज़ा बनकर हमारा तैयार है। और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। दोस्तों मैक्सिकन पिज़्ज़ा जो होता है थोड़ा सा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। तो इसके ऊपर से फाइनली थोड़ा सा फ्रेश पार्सली डालेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।